गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इसमें कहते हैं डिवाइड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिवाइड करना है, कोशेंट रिमाइंडर बताना है। देखो फर्स्ट पार्ट है, फिर तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, डिवाइड करेंगे पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। तो जी ऑफ एक्स को लिखे एक्स स्क्वायर माइनस में 2, इधर से लिखा एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 5 एक्स माइनस में 3। तो देखो, हमें जो फर्स्ट टर्म है वो इक्वल करना होता है, तो इन्हीं को इक्वेट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखो क्या चाहिए हमें, एक्स क्यूब चाहिए, रफ वर्क है आपका, है ना। क्या चाहिए हमें, एक्स क्यूब चाहिए, लेकिन बनाना किसका है, एक्स स्क्वायर का। तो इससे डिवाइड करेंगे, इसकी 2 पावर कम हो जाएगी तो एक्स बच जाएगा, तो इसका यहाँ क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स की 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 2x, तो एक्स वाले टर्म के नीचे लिखेंगे हम लोग। फिर क्या है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया ना। अब जो ये साइन चेंज हो गया, ये काउंट होंगे आप, तो ये तो प्लस का, ये माइनस का। अब इसको 3x स्क्वायर और ये देखो दोनों प्लस के हो गए, तो प्लस के 7x ऊपर से माइनस 3। अब देखो हमें क्या चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर चाहिए, वही एक्स स्क्वायर का ही बनाना, हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस 3 बच जाएगा, तो ये माइनस 3 पे जाएगा फिर। तो माइनस 3 से डिवाइड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टू जा 6, तो नंबर के नीचे कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये काउंट होंगे, तो ये माइनस ये प्लस, तो 7x और ये दोनों माइनस के 9 कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, जब डिवाइजर की पावर रिमाइंडर से ज्यादा हो, या कह दो रिमाइंडर की जो पावर है जब डिवाइजर से कम हो जाए, तो इसमें वो स्टॉप हो गया, पूरा एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो क्या कह रहा था, कोशेंट और रिमाइंडर, तो ये तो क्या आ गया, कोशेंट आ गया, और ये क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया आपके पास। सेकंड है, सेकंड पार्ट देखो, इसको इससे डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कॉन्स्टेंट टर्म, इस तरह से, तो इनका भी ध्यान रखना है। तो पहले तो इसको हम लोग देखो सेकेंड पार्ट को कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 1, ठीक है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको देखो, इसको लिखेंगे तो ये भी ध्यान रखना, इसकी पावर का एक्स की 4 के बाद क्या आना चाहिए था, क्यूब का आना चाहिए, तो उसका स्पेस हम लोग छोड़ देंगे, नहीं तो हम लोग डिवाइड करने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या होगा, एक्स की पावर 4 आएगा, फिर क्या है, 3 पावर वाला नहीं है, 2 पावर वाली टर्म है, तो 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5, उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब डिवाइड करेंगे हम लोग, देखो पहले क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए हमें, किसका बनाना है, एक्स स्क्वायर का बनाना है, तो एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड, तो 2 पावर लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर बचेगा आपके पास में, तो यहां लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 हो जाएगी। फिर देखो एक्स स्क्वायर की एक्स से करेंगे माइनस एक्स क्यूब, तो इसीलिए उसका स्पेस छोड़ देते हैं, नहीं तो इसको लिखने की जगह हमारे पास नहीं होती फिर। और एक्स स्क्वायर की 1 के साथ करेंगे तो प्लस का 1x स्क्वायर, फिर साइन चेंज हो जाए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो किससे कैंसिल हो गया, तो ये बच गया प्लस का एक्स क्यूब, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस 4x स्क्वायर और इधर से 4x। अब क्या चाहिए हमें, एक्स क्यूब चाहिए, किसका बनाना है, एक्स स्क्वायर का बनाना है, तो एक 2 पावर कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा, x बचेगा,
तो यहां हम लिख लेंगे एक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर के एक्स से, तो एक्स क्यूब एक्स की माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वेयर और एक्स की वन से प्लस एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ये देखो माइनस के ज्यादा है तो माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर और ये प्लस के ज्यादा है तो ये प्लस का थ्री एक्स, ऊपर से फाइव को हम नीचे ले आते हैं। अब देखो क्या चाहिए, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर चाहिए, किसका चाहिए एक्स स्क्वेयर का, तो एक्स स्क्वेयर से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बच गया माइनस थ्री बच गया, तो यहां लिखेंगे माइनस थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री की एक्स स्क्वेयर से, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर और माइनस थ्री की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के थ्री एक्स और माइनस थ्री की वन से माइनस थ्री, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या बच गया प्लस का एट, तो ये रिमाइंडर आ गया और ये आपके पास कोशेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है, देखो इसको भी कर लेते हैं। टू माइनस एक्स है, पहले तो कहा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस में टू, अब इसके देखो x की पावर 4 के बाद x का टर्म है तो हम लोग क्या करेंगे उनकी स्पेस छोड़ देंगे हम लोग, माइनस फाइव एक्स प्लस में 6, तो देखो क्या चाहिए हमें x की पावर 4 चाहिए हमें, किसको माइनस एक्स स्क्वेयर से, तो 2 पावर कम हो जाएगी माइनस 7 में रहेगा तो माइनस एक्स स्क्वेयर पे चला गया ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो गया एक्स की पावर 4 और इस किसके साथ माइनस 2 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ये प्लस हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा 2 एक्स स्क्वेयर माइनस में 5x प्लस में 6, अब क्या चाहिए 2 एक्स स्क्वेयर चाहिए हमें, 2 एक्स स्क्वेयर चाहिए, किसका चाहिए माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाए तो क्या बच गया, ध्यान रखना ना माइनस का भी, तो माइनस का 2 रह गया तो माइनस 2 पे जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2 एक्स स्क्वेयर, माइनस 2 की 2 से करेंगे माइनस 4, कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे तो ये माइनस ये प्लस, इसका साइन चेंज नहीं होता, जो सेकेंड टर्म में है उनके चेंज करेंगे, प्लस ये माइनस तो माइनस 5x और ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 10, ठीक है, तो ये तो क्या आ गया आपके पास, ये तो आ गया रिमाइंडर और ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया कोशेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड में कहता है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, डिवाइड करके हमें ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, फर्स्ट सेकंड का फैक्टर है या नहीं, तो डिवाइड करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट करेंगे तो पहले डिवाइड कर लेते हैं ना, उसके बाद देखते हैं क्या होगा, फर्स्ट टी स्क्वेयर माइनस थ्री इसको डिवाइड करना, इससे डिवाइड करना है टू टी रिच पावर 4 प्लस में 3 टी क्यूब माइनस 2 टी स्क्वेयर माइनस 9 टी और माइनस 12। अब देखो हमें क्या चाहिए 2t की पावर 4 चाहिए हमें, ठीक है, तो यहां कर लेते हैं इसको 2t रिस पावर 4, किसका बनाना है टी स्क्वेयर का बनाना है, तो 2 पावर कम हो जाएगी तो यहां तो 2 बच गया, t की पावर 2 कम हो जाएगी तो टी स्क्वेयर बच गया, तो ये आपके पास आ गया 2t स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करोगे तो 2t की पावर 4 इसके साथ और 3 2 6 टी स्क्वेयर का टर्म आएगा तो उसके नीचे लिखेंगे मैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो 3t³ और ये प्लस के ज्यादा है तो 4t² माइनस 19, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए 3t³ चाहिए भाई, हमें 3t³ किसका चाहिए टी स्क्वेयर से चाहिए हमें, तो डिवाइड करेंगे 2 पावर कम हो जाएगी तो 3t बच गया आपके पास,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 3t। तो 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t³, और 3t की 3 से माइनस का 9t, t का टर्म आएगा तो t वाले के नीचे लिखिए, ये माइनस ये प्लस, ये इससे कैंसिल, 4t² बच गया, और यहाँ से ये इससे कैंसिल, तो ऊपर से क्या बचा, माइनस 12। क्या चाहिए अब, 4t² चाहिए, किसका चाहिए, t² का, तो t² से डिवाइड कर लो तो क्या बच गया, 4 बच गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4t² और 4 3 जा माइनस का 12 आ गया, तो ये माइनस ये प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बच गया। और अब देखो, अब हमारे पास आता, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे मैं कहूँ कि 4 का 3 एक फैक्टर है या नहीं है, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज 0, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का क्या हो गया, फैक्टर, कब, जब जीरो रिमाइंडर होगा, तो सेकेंड पार्ट है, अब ये सेकेंड पार्ट है, उसी तरह से हमें ये चेक करना है इसका फैक्टर है या नहीं, तो डिवाइड करेंगे उसी तरह से, प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, तो हमें क्या चाहिए, 3x⁴ चाहिए हमें, किससे चाहिए, x² से, तो 2 कम हो जाएगी तो क्या बचेगा, 3x² चाहिए हमें, तो यहाँ 3x² आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x⁴ और इसके साथ 3 3 जा 9x³ प्लस में 9x³ और इसके साथ किया तो प्लस 3x², फिर साइन चेंज हो जाए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस के ज्यादा है तो माइनस 4x³, ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे तो माइनस 10x², और इधर से 2x हम लोग नीचे उतार लेंगे। अब क्या चाहिए, माइनस 4x³ चाहिए, किसका चाहिए, x² से, तो x² से डिवाइड करोगे तो 2 कम हो जाएगी तो माइनस 4x आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस 4x³ और इसके साथ माइनस प्लस माइनस माइनस और 12x² हो जाएगा, और माइनस 4x की 1 के साथ माइनस 4x आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, प्लस के ज्यादा है तो 2x², ये दोनों प्लस के हैं तो 6x, ऊपर से हमें 2 उतार लेते हैं तो क्या चाहिए, अब 2x² चाहिए, किसका चाहिए, x² का, तो 2 कम हो गई, मैंने 2 बच गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा प्लस का, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² और 3 2 जा 6x और 2 1 जा 2, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो रिमाइंडर 0, तो लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज 0, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर दीज। दो जीरोज दे रखी हैं और हमें अदर जीरोज बतानी है। देखो इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो 4 जीरोज होगी, 2 गिवन है तो 2 और हमें निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास जीरोज दे रखी है उससे पॉलिनोमियल बना देते हैं। सिंस √5 एंड
माइनस रूट फाइव बाय थ्री इज गिवन जीरो, गिवन जीरो। तो देखो क्या करेंगे, ये फैक्टर कैसे आते थे, मतलब ये जीरोस कैसे आते थे फैक्टर को जीरो के इक्वल रखने से। तो इसका मतलब देखो एक्स माइनस में फर्स्ट रूट और इनटू में एक्स माइनस में सेकंड रूट, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा फिर, इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना, गिवन लिख देते इसको। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर ये इसके जीरोस थे तो उससे हम लोग पॉलिनोमियल बनाते हैं तो उसका फैक्टर तो होगा। मैंने हमने यूज क्या किया है, अगर इफ अल्फा बीटा आर टू जीरोस देन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज ए पॉलिनोमियल विद गिवन जीरोस। जो जीरोस दे रखी हो हमारे पास, अगर हम लोग एक्स ये फार्मूला लगाए एक्स माइनस फर्स्ट रूट माना अल्फा में ना फर्स्ट रूट, एक्स माइनस बीटा माना सेकंड रूट। तो देखो इसकी दो जीरोस दे रखी है, एक्स माइनस फर्स्ट माना ये, एक्स माइनस सेकंड ये प्लस हो जाएगी। तो देखो क्या बनाएंगे, इसका फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो फार्मूला एक्स माइनस ए माना और एक्स प्लस बी, तो क्या है ए स्क्वेयर प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा, ए स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। तो ये आ गया, ये फैक्टर हो गया, इज ए फैक्टर ऑफ क्या, जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उसका ये फैक्टर बन गया। अब देखो अगर हमें इसको, ये जो फैक्टर आया है अब हमारे पास, अगर हम लोग इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो अदर फैक्टर आ जाएंगे इसके। तो इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव बाई थ्री डिवाइड किया हमने, थ्री एक्स फोर सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स माइनस में फाइव। तो अब उसी तरह से डिवाइड तो वैसे ही करना है, तो क्या चाहिए हमें, 3x की 4 चाहिए किस एक्स स्क्वेयर से, तो 2 पावर कम हो जाएगी तो क्या बचा 3x स्क्वेयर, तो यहां लिख लेंगे 3x स्क्वेयर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x रिस पावर 4 इस किसके साथ 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस 5x स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है ना, x स्क्वेयर के टर्म के नीचे लिखिए, माइनस ये प्लस ये इससे कैंसिल, ये क्या बच गया 6x क्यूब, ये प्लस के ज्यादा है तो 3x स्क्वेयर, फिर माइनस 10x उतार लेंगे। अब क्या चाहिए 6x क्यूब चाहिए हमें, किसका चाहिए x स्क्वेयर से चाहिए, तो दो पावर कम हो जाएगी तो 6x आ गया प्लस का 6x, तो 6x से मल्टीप्लाई किया तो 6x क्यूब इसके साथ रहे 3 टू जा 2 5 टू जा 10 माइनस का 10x आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, तो 3x स्क्वायर इधर से ये भी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से क्या उतारे माइनस 5। अब क्या चाहिए हमें 3x स्क्वायर चाहिए, किसका चाहिए x स्क्वायर, कैंसिल हो गया तो 3 बच गया हमारे पास, तो अब ये 3 पे जाएगा प्लस 3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 5 बच जाएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया। अब इसका अदर फैक्टर ये आ गया हमारे पास, अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो क्या आया 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3, पहले तो क्या करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 1, या तो फैक्टर बना लो या डायरेक्टली हमें पता है कि भाई ये x प्लस 1 का होल स्क्वेयर है, तो इसके फैक्टर ये बन गए। तो फैक्टर बना जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको जीरो के इक्वल रख लेंगे, दिस इंप्लाइज x क्या आ जाएगा माइनस 1, दूसरा फैक्टर भी सेम है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 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 1 माइनस 1, तो जीरोज आ, तो
सारी जीरोस क्या आ गई, माइनस वन और टू जीरो गिवन थी हमारे पास, तो ये तो चारों की चारों जीरोस हमारे पास आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है ऑन डिवाइडिंग, इसमें कहते हैं ऑन डिवाइडिंग बाय ए पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर दीज, ये क्वेश्चन है ये रिमाइंडर है रिस्पेक्टिवली, फाइंड जी ऑफ एक्स। तो देखो ये तो क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड और ये जी ऑफ एक्स हमें निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे, पी ऑफ लेट कर लेते हैं इसको, लेट पी ऑफ एक्स क्या ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस में टू, और ये कोशेंट है तो कोशेंट को क्या वो फैक्स से लिखते हैं, क्या वो फैक्स, तो वो क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, और ये क्या रिमाइंडर है, रिमाइंडर को आर ऑफ एक्स से लिखते हैं, तो ये क्या है माइनस का टू एक्स प्लस में फोर। क्या पूछ रहे हैं, जी ऑफ एक्स निकालने के लिए कह रहे हैं। वी नो दैट, देखो हमें पता है ना भाई, जब हम लोग किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है जी ऑफ एक्स, ये क्या होगा पी ऑफ एक्स, ये क्या होगा क्यू ऑफ एक्स, और यहाँ क्या होगा आर ऑफ एक्स। तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग जब वेरीफाई करते हैं प्लस में रिमाइंडर, तो इसके इक्वल आता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसी का यूज करेंगे हम लोग कि जी ऑफ एक्स इंटू में क्यू ऑफ एक्स प्लस में आर ऑफ एक्स किसके इक्वल होते हैं, पी ऑफ एक्स के इक्वल होते हैं। तो यहां से हम लोग ना जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं पहले, तो देखो जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स या आर ऑफ एक्स उधर जाके क्या होगा माइनस का हो जाएगा, फिर डिवाइड में क्या ऑफ एक्स आ जाएगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो पी ऑफ एक्स क्या, ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स प्लस में टू माइनस में आर ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स आपके पास ये ब्रैकेट रखना है क्योंकि साइन चेंज होने हैं, और डिवाइड में क्यू ऑफ एक्स क्या है एक्स माइनस में टू है। तो इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स प्लस में टू, इनके साइन चेंज होंगे, ये प्लस का टू एक्स हो जाएगा और ये माइनस का फोर हो जाएगा। तो इसको डिवाइड सॉरी सिंप्लीफाई, एक्स क्यूब का एक ही टर्म है, स्क्वेयर का देखो एक ही टर्म है, अब एक्स की टर्म देखो प्लस एक्स प्लस टू एक्स, तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री एक्स, कॉन्स्टेंट प्लस टू माइनस फोर, तो माइनस का टू डिवाइड बाय एक्स माइनस में टू। तो क्या करेंगे अब, एक्स माइनस टू से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो देखो एक्स माइनस में टू से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस में थ्री एक्स और माइनस में टू, तो क्या चाहिए एक्स क्यूब चाहिए एक्स से, तो एक्स स्क्वेयर पे जाएगा ये ना, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू एक्स स्क्वेयर, तो ये माइनस ये प्लस इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस के ज्यादा तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में थ्री एक्स। अब क्या चाहिए, माइनस का एक्स स्क्वेयर चाहिए, ठीक है ना, माइनस का एक्स स्क्वेयर चाहिए, एक्स से डिवाइड करो तो माइनस एक्स आएगा, तो ये बच गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स किससे किया माइनस माइनस प्लस प्लस के टू एक्स आ जाएगा, तो ये प्लस हो गया ये माइनस ये इससे कैंसिल आउट, प्लस के ज्यादा है तो एक्स माइनस में, अब कितना सेम है तो डिवाइड करोगे तो वन आएगा, तो एक्स माइनस टू ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गए, तो देखो क्या बचा, तो जी ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया, डिवाइड करके जो आपके पास आए कोशेंट, तो जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस में वन, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइड द डिवीजन एल्गोरिथम, एंड फर्स्ट पार्ट में देखो कहता है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स,
वो कहता है सेम होने चाहिए, इनके आंसर इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या कैसे लिखेंगे इसको, जैसे कहते हैं इनका ध्यान रखना जरूरी है आपको कि पी ऑफ एक्स जो डिविडेंड है और जो कोशेंट है उनकी डिग्री का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट पार्ट को करता हूँ, पी ऑफ एक्स मैंने लिखा, सुपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया 3x² प्लस में 3x और प्लस में 12, ये लिख दिया मुझे। अब मुझे क्या ध्यान रखना है कि जो क्यू ऑफ एक्स है वो इतनी ही डिग्री का रहना चाहिए, मतलब 2 डिग्री का रहना चाहिए। देखो इसमें से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ जिससे मुझे डिवाइड करना है मैं उसको 3 ले लेता हूँ। तो क्या इसकी डिग्री पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो डिवाइड 3 से डिवाइड करने के बाद देखो क्या बचेगा, क्या वो फैक्स आपके पास क्या बचेगा 3 से डिवाइड करने के बाद, यहाँ x², यहाँ x और यहाँ 4, और पूरा पूरा डिवाइड कर देगा ये इसको, तो रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इनके एग्जाम्पल सोचेंगे। इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, कुछ भी है, क्यूब होता तो क्यूब वाला आ जाता, यहाँ क्यूब कर लो, 4 पावर कर लो, 5 कर लो, कितना है, सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखो किस चीज का ध्यान रखना, अब कोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री का ध्यान रखना है, कोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री का ध्यान रखना है। तो कोशेंट और माना देखो इसको इस तरह से ध्यान रखना आपने कि मुझे कोशेंट, एक तो इसकी डिग्री का ध्यान रखना और एक रिमाइंडर की डिग्री का ध्यान रखना। सपोज करो मैं अगर ये 1 डिग्री का लेता हूँ तो रिमाइंडर भी 1 डिग्री में आना चाहिए। अगर ये 1 डिग्री का है तो डिवाइजर जो है वो कितने 2 डिग्री का हो, क्योंकि 1 तो यहाँ चाहिए और इसकी डिग्री क्या होती है ग्रेटर देन, और यहाँ एक्स चाहिए माना 1 डिग्री का चाहिए तो यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इस तरह से सोचेंगे। सपोज करो अगर मैं यहाँ 3 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल लेता हूँ, x³ प्लस में कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, 2x प्लस में 3, सपोज करो मैंने ये लिख दिया है, और यहाँ मुझे क्या चाहिए, स्क्वेयर चाहिएगा, स्क्वेयर है ना x², सपोज करो मैं प्लस का मन लिख लेता हूँ। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो है ना 1 डिग्री का आ जाएगा, तो डिवाइड करके अब देखो कैसे निकलेगा ये, देखो इसको इससे डिवाइड कर लो आप लोग, x² प्लस में 1, तो x³ प्लस में 2x प्लस में 3, तो पहले क्या चाहिए x चाहिए, तो यहाँ x आ जाएगा आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ x आ गया, तो x से मल्टीप्लाई किया x³ और इसके साथ किया प्लस में x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचे x प्लस में 3, आगे जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखो ये भी 1 डिग्री का बच गया, ये भी 1 डिग्री का, तो हमने क्या क्या एग्जाम्पल लिया, पी ऑफ एक्स तो क्या लिया x³ प्लस में 2x प्लस में 3, और जी ऑफ एक्स क्या लिया x² प्लस में 1, और क्यू ऑफ एक्स क्या लिया x आ गया, और r ऑफ एक्स क्या आया हमारे पास, वो x प्लस का 3 आ गया। इस तरह से ध्यान रखना आपने। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कहता है कि जो डिग्री ऑफ r ऑफ एक्स है वो 0 होनी चाहिए। 0 का मतलब क्या, कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, ठीक है ना। जैसे अगर हमारे पास सपोज करो मैं p ऑफ एक्स मैं लेता हूँ भाई x² प्लस में कुछ भी लिखो 2x प्लस में 6 ले लिया, और मैं g ऑफ एक्स ले लेता हूँ इसी टाइप का ले लेता हूँ x² प्लस में 2x, इससे कम कर दो, कांस्टेंट बचाना, जितना इससे कम करोगे उतना रिमाइंडर बच जाएगा। सपोज करो मैंने 4 ले लिया, ठीक है ना। तो अब देखो डिवाइड करते हैं इसको, x² 2x प्लस में 6, और एक्स इसको डिवाइड करना है x² प्लस में 2x प्लस में 4, तो डिवाइड कितने पे गया, 1 पे जाएगा x² 2x और प्लस में 4, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, क्या बच गया 2 बच गया। ये कितना ही आया, अब हमें इसका ध्यान नहीं रखना है, जब कंडीशन दी होती है कि डिग्री ऑफ r ऑफ x का हमें ध्यान रखना कि वो 0 आए, तो अब देखो ये आ गया हमारे पास आंसर, तो p ऑफ x
तो ये आ गया क्यू ऑफ एक्स, ये आ गया और ये जी ऑफ एक्स, तो ये क्यू ऑफ एक्स क्या आ गया, वन आ गया, और आर ऑफ एक्स क्या आ गया, टू आ गया। इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा।